जबलपुर में नकली रेमडेसिविर मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब सिटी अस्पताल संचालक के घर काम करने वाला माली भी लापता हो गया है। हाई प्रोफाइल मामले में सरबजीत मुखा के घर काम करने वाले माली दीपक की पत्नी दो दिनों से अपने पति की तलाश कर रही है। दरअसल नकली रेमडेसिविर मामले में पुलिस ने सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मुखा और मुखा की पत्नी जसमीत, महिला मैनेजर सोनिया और अस्पताल मैनेजर देवेश चौरसिया को गिरफ्तार कर चुकी है। मुखा के बेटे हरकन की तलाश की जा रही है। अब माली के लापता होने से उसकी पत्नी परेशान है। दीपक की पत्नी अनिता ने बताया कि तीन दिन पहले रात में उसके पति के पास मुखा की पत्नी का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि वह रामपुर चौकी के पास अपने बेटे के साथ खड़ी हैं। तभी उसका पति घर से निकल गया, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस से मदद नहीं मिली तो पीड़ित पत्नी से एसपी को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने भी फोन काट दिया। और अगर पुलिस उसको अपने कस्टडी में रखी है, पूछताछ के लिए रखी है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो रखे, लेकिन कंफर्म तो होना चाहिए कि किस जगह पे है। आज मैं तीन दिन से बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे, मेरे को लगता है कि मैं क्या कर लूँ अपने आप को। अब तो ऐसा हो रहा कि मैं जाके तिलवारा में कूद जाऊँ, और इसका प्रशासन शासन ही अगर जो कर सके तो कर सके। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीन दिन हो गए, मैडम बुलाई तीन की मतलब 10 मिनट के लिए, तीन दिन लगा दी उसने, भेजी नहीं अभी तक घर। और हो सके तो कोशिश यही करें कि कहीं भी हो तो मुझे कंफर्म करके बता दें कि मेरी जगह।